पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा है, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया। पहले भी सीबीआई को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच। कई बार जा करके हम ईडी हो सीबीआई हो अपना सवाल के जवाब जो हम लोग रिकॉर्ड पे दे चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। राजद के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको मालूम ही होगा कि सीबीआई ने उनके खिलाफ रेलवे में भ्रष्टाचार के एक और मामले को खोल दिया है, अब उसकी जांच चलेगी। और इसी पर जब बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से सवाल किए गए तो वो क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। कोई केस पहले पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा है, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया है। तो हम तो ये इतना कहना चाहते हैं, लालू जी का जो कुछ भी है जीवन है या हमारा जो जीवन है, तो खुला किताब जैसा। और हमने तो पहले भी सीबीआई को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच, फिर ना जांच कर रही है, तब उसमें क्या कहना है। 2024-25 का जो मिशन लगा है, इमेज खराब होगा फिर से एक बार वही घोटाला। कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुला किताब है, सब लोग जान रहे हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं। और जो केस जो रीइन्वेस्टिगेट कर रहा है, ऑलरेडी पहले जांच किया किसने, सीबीआई ने किया, कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर दोबारा करना चाहती है तो करने में क्या दिक्कत है। अब एक ही केस में 10 बार जांच करे 20 बार जांच करे, मर्जी के मालिक है लोग। सारा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। अब कई बार जा करके हम ईडी हो सीबीआई हो अपना सवाल के जवाब जो है हम लोग रिकॉर्ड पे दे चुके हैं, उससे अलग क्या। नित्यानंद राय ने आज कहा है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा अस्वस्थ हैं और सिंगापुर में अभी हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ और हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, अभी अपनी बेटी के यहाँ वो रुके हुए हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर, जब सीबीआई ने उनके खिलाफ एक और केस खोला है तो अब देखना होगा कि जिस प्रकार पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी ज़्यादा वो फंसे हैं, अब उनके लिए और कितनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने तो ये भी कहा कि हमने तो पहले से ही कहा था सीबीआई को कि अब मेरे घर में ही आप अपना दफ्तर खोल लीजिए और इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।